प्रेम शुक्ला जी, जगदीश ठाकुर ने जो कहा है ये स्क्रिप्ट आपने भिजवाई थी, मतलब आप लोग AIMIM के लिए कहा जाता है कि बीजेपी की वी पार्टी है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ही आपकी वी पार्टी है। नहीं, मुझे लगता है कि फिर इस आधार पर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमारे एजेंट निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है संसाधनों पर। फिर तो राहुल गांधी भी हमारे एजेंट साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों की पार्टी है 2018 में, कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस। फिर तो सलमान खुर्शीद भी हमारे एजेंट निकलेंगे, जिन्होंने कहा कि बोको हरम की तरह काम कर रहे हिंदू संगठन। फिर तो पी चिदम्बरम भी हमारे एजेंट निकलेंगे, जिन्होंने कहा भगवा आतंकवाद। फिर तो सुशील कुमार शिंदे भी हमारे एजेंट निकलेंगे, जिन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद। तो हमारे कितने एजेंट हैं कांग्रेस में, ये भी बता दें। अभय दुबे जी, कृपा करके बता दीजिए कि क्या पूरी कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में दलाली कर रही है क्या? हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात दलाली कर रहे हो आप। इनको शांत कीजिए, 15 मिनट इन्हीं से बात की। पूंजीपतियों की दलाली में दलाली तो आप कर रहे हैं ना साहब। अच्छा अभय जी, किस तरह की दलाली? अभय जी, अभय जी और प्रेम जी, अभय जी, अभय जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभय जी, अभय जी, एक एक करके, अभय जी एक एक करके आपने अपनी बात रखी और मैं फिर आपको 30 सेकंड रिबटल का मौका दूंगा। इतने जो है भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं इनके, इन्होंने, इनसे आपने जो है दो इसलिए सांप्रदायिक डिबेट कराते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इनके पापों की गठरी इतनी बड़ी है कि इनसे उठने वाली नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों को, हिंदुओं को कहते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, जाके जर्मनी में कहते हैं हिंदू संस्कृति के कारण ही जो है यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार होता है। ये राहुल गांधी जर्मनी में जाके कहते हैं, वो जयपुर में जाते हैं महंगाई पे सभा करने और कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। तो सतत जो है हिंदुओं को गरियाने का काम करना और मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास करना, स्वयं को कहना कि ये मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, ये हमने तो नहीं कहा ना, प्रेम ये तो राहुल गांधी ने कहा था ना। प्रेम और इंकलाब अखबार को नदीम जावेद, हाँ, जो इनके अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है माना था ना। प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये मुसलमानों की पार्टी, आप हिंदू की पार्टी, तो फिर जो हिंदुस्तानी है जिसके अंदर हिंदू परंपरा और संस्कृति तो बसी हुई है, विकास की बात करते हैं। कहां आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू, वो कह रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम, कहां कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सबका लियाकत जी, गलत बात मत करिए आप। सबका प्रयास, आप मुझे बताइए 12 करोड़ जो है शौचालय बने तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं बने? अगर 28 करोड़ जनधन खाते नए खुले तो क्या मुसलमानों के नहीं खुले? हमने मुफ्त के मकान दिए तो क्या मुसलमानों को नहीं दिए? आप मुझे बताइए ना, कहां पर हमने मुसलमानों के साथ कहा कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा? कलीमुल साहब, कहां भेदभाव हुआ है? अभय जी बस एक सेकंड में आती हूं। तीन और मेहमानों से एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं अभय जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज जवाब आप ही को देना है। कलीमुल साहब, कहां भेदभाव हुआ है मुसलमानों के साथ? देखिए, ये जो कांग्रेस का बयान है, इसी तरीके से ये बयान देकर मुसलमानों को इन्होंने बिल्कुल दीवार से लगा दिया। इन्होंने ही सच्चर कमेटी बनाई जिसकी फाइंडिंग ने यह बताया कि मुसलमान अपनी आबादी से नौकरियों में, रोजगार में या किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अपनी आबादी से एक तिहाई भी नहीं है। और दूसरे जुमलेबाज पार्टी जिसके प्रेम शुक्ला साहब हैं, उन जो सबका विकास सबका प्रयास की बात करते हैं, उन्हीं के स्वराज्य में 59 मंत्रालयों में 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी क्लास वन ऑफिसर मुस्लिम नहीं है, क्लास वन प्लस। और दूसरा, दिल्ली सरकार में 1.6% मुसलमान है जबकि आबादी में 15% मुसलमान है। तो ये दोनों पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती हैं, इलेक्शन के टाइम पे जुमलेबाजी इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इन दोनों लोगों ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है और राजनीतिक शोषण किया है। okay. एक ने तुष्टिकरण का एक कर लिया, एक नया और शुरू वाला है तृप्तिकरण का। अच्छा, तो ये दोनों पार्टियां सेम खानों में ठीक है जहां तक मुसलमानों ठीक है ठीक है। अब आपकी पार्टी में कितने हिंदू हैं? हमारे पार्टी में अभी देखिए, खरगोन से हमारी अभी अरुणा उपाध्याय जीती है। अरे वो तो देखिए, बीजेपी से नाराज होकर आपकी पार्टी में आ गए, टिकट नहीं मिली थी। सारी मेन पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ बना रही हैं और हम मुसलमानों की बात करने अगर मैं बात कर रही हूँ हिंदुओं की, आप मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, हम मुसलमान मुसलमान नहीं कर रहे हैं। कितने हिंदू हैं आपकी पार्टी में, ये बता दीजिए। पार्टी में मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे चाहे मेरे यहाँ दिल्ली के हमारे सेक्रेटरी है, हमारे जो राजीव रियाज साहब, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हो डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे
हमारे अमित शाह जी गए, अमित शाह याद आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीता, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नाम भी बता दूँ, अमित शाह का नाम याद है लेकिन आपके पार्टी के हिंदू कैंडिडेट का नाम आपको याद नहीं है, इसलिए मुझे याद है वो नाम, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत हाइप हुई थी, सारे मीडिया में दिखाया गया था और वहाँ पे गैर मुस्लिम उम्मीदवार MIM का जीता था। सवाल आपने जो मुझसे पूछा ना कि गैर मुस्लिम कितने हैं, तो हम छोटी सी तो पार्टी है, उसमें इतने हमने गैर मुस्लिम नाम गिना दिए। ये बताएं कि कौन सा सांसद, प्रेम शुक्ला साहब बताएं कौन सा सांसद मुसलमान है इनका, राज्यसभा में है, लोकसभा में है, कहां पे है, या कोई मंत्री है, बताएं। दो नाम तो इन्होंने गिना दिए अभी, नई नई खरगोन से जो आई है, बस एक सेकेंड अभय जी। हाँ प्रेम शुक्ला जी, देखिए अभी दानिश अंसारी जी हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी अब तक मंत्री थे, पहला राष्ट्रपति जो है हमने, जो भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, ये बता दीजिए प्रेम शुक्ला साहब बनाया सर, आप कृपा करके नहीं सुन लीजिए, अब जरा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुना मैंने शांति से आपको, संयम क्यों खोते हैं भाई आप, मुझे बताइए, आप तो चाहते हैं कि मुसलमानों को प्रोपोर्शनेटली मिलना चाहिए आबादी के अनुकूल, तो MIM में 80% तो हिंदू होने चाहिए, तो 80% हिंदू है क्या, 10% बता नहीं पाते आप, 80% हिंदू है क्या आपके पास, आप ज्वाइन कर लिए पार्टी, आपको ले लेंगे, मिलना चाहिए, तो देखिए ये आपका तर्क है, तो MIM में भी प्रोपोर्शनेटली जो है, आप मुझे बताइए ना 80% जो है रिप्रेजेंटेटिव है क्या आपके पास, अब्दुल साहब 80 क्या हिंदू होने चाहिए, 80% आप लोग आइए, हम तो गले लगाते हैं, आप तो सेकुलर है ना, हमको आप सांप्रदायिक कहते हैं, आप तो सेकुलर है ना साहब, उत्तर प्रदेश में आप तो हमको सांप्रदायिक कहते हैं, 80% उन्हीं को दिया, अरे मैं फिर आप भाग रहे हैं, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में हमने अलायंस किया 80% मुस्लिमों को दिया, पद की बात ही नहीं कर रहा, आपके 80% सदस्य हैं क्या हिंदू, नहीं हम बता तो रहे हैं उत्तर प्रदेश में लड़े तो उतने ही हिंदू हो सकता है क्या, कितनी हमारी आबादी, बाकी हमने अपने और साथियों को दिया, नहीं नहीं अरे 80% है क्या, 8% भी नहीं है साहब जी, मेंबर्स कितने हैं आपके पार्टी में, मेंबर्स कितने हैं पार्टी में, तो मेंबर हमारे जितनी जिस आबादी में, जिस इलाके में हमारी पार्टी मौजूद है उस इलाके के हिसाब से, एक विधायक का नाम बताइए, कितने बताइए जरा, नहीं विधायक हमारे एक भी विधायक नहीं है, पांच विधायक बिहार में थे उनमें से कितने हिंदू हैं, नहीं एक भी नहीं है, एक हमारे अलायंस में जीता था जो BSP अलायंस में थी, वहाँ गैर मुस्लिम जीते थे, वो हमारे साथ नहीं है, रवि पराशर जी, मैं ये कह रहा था कि जो सीमांचल में जो पांच जीते थे वो भी टाटा बाय बाय करके चले गए, लेकिन हम डिबेट गुजरात में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके बयान पर कर रहे थे, जो उन्होंने मनमोहन सिंह जी का 2006 का राष्ट्रीय विकास परिषद में जो तो बयान दिया था उसको उन्होंने बहुत ठकुर सुहाती के साथ जो दोहराया है, डिबेट हम उस पर कर रहे थे। देखिए रूबिका जी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, बहुत सारे नेता, बहुत सारे संगठन एक बहुत सूत्रवाक्य भूल जाते हैं, वो बार बार याद दिलाते रहने की आवश्यकता मुझे लगती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो संविधान से चलता है, तो जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और भारतीय संविधान, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जानती हैं कि हर नागरिक का हिंदू मुस्लिम सबको एक बराबर, सारे धर्मों को एक बराबर स्तर पर लाकर रखा गया है, कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं कही गई है, लेकिन जब तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़े हुए इस तरह के बयान इतने मुखर होकर के सामने लाए जाते हैं, तो जाहिर है कि फिर मुझे लगता है कि ये संवैधानिक बयान नहीं कहा जा सकता, इसको एक असंवैधानिक बयान है, और कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है तो ये असंवैधानिक सोच जो कांग्रेस की है ये आज की नहीं है, ये 2006 की नहीं है, जब इमरजेंसी के दौरान 42nd Amendment ला करके प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द लाया गया, बावजूद इसके कि संविधान सभा में उस पर लंबी चौड़ी बहस हुई और ये माना गया कि भारत के स्वभाव में स्वाभाविक रूप से सेकुलर जो गुण है वो है, इसलिए उसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, तो ये तभी से इन्होंने जो रास्ता पकड़ा था उसकी अंतिम परिणति मुझे लगता है कि अब ये आ गई है, और इस तरह के एक दो बयान और दें, और हम तो कहते हैं, हमने गुजरात में भी मांग की है कि भाई कांग्रेस मुख्यालय का नाम आप हज हाउस कर दीजिए ना, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।